बेतिया से बड़ी खबर है, जहां लौरिया के सिकरहना नदी में 3 मासूम बच्चों के साथ मां की डूबकर मौत हो गई है। घटना लौरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 का है, जहां पर कमलेश महतो की पत्नी आरती देवी अपने 2 बेटों एवं 1 बेटी के साथ सिकरहना नदी में डूब गई। मौके पर स्थानीय लोग सिकरहना नदी से माँ और बेटी का शव बाहर निकाले हैं, तो वहीं 2 मासूम बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश स्थानीय गोताखोर कर रहे हैं। अभी तक NDRF की टीम भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मां सहित 3 बच्चे सिकरहना नदी में कैसे डूबे, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना को लेकर तरह तरह के चर्चे हो रहे हैं। साथ सिकरहना नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है, मामले की जांच की जा रही है। एक डेड बॉडी को निकाल लिया गया है, बाकी के लिए SDRF की टीम सर्च कर रही है, मामले की जांच की जा रही है। और एक बेटी का सिकरहना नदी नहीं है, फिर से एक कौन नदी है।